नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई अपोसाइनम के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, किन रोगों और किन लक्षणों में पेशेंट्स को इसे हम देते हैं और लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई के बारे में बात करें तो ये काफ़ी सारी बीमारियों में यूज़ की जाती है, जैसे कोराइज़ा, हार्ट अफेक्शन, नोज़िया, वोमिटिंग, अस्थमा, किडनी फेलियर, काफ़ी सारी बीमारियों में इसे हम पेशेंट्स को देते हैं। डिटेल्स में जानेंगे, सिम्टम्स जानेंगे कि किस बीमारी में क्या सिम्टम्स होने पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। हार्ट अफेक्शन की बात की जाए तो ये दवाई हार्ट फेलियर में पेशेंट्स को दी जाती है, जहां पेशेंट्स को हार्ट फेलियर के कारण वीकनेस आई हो या अस्थमा हो। इसके अलावा पेशेंट्स के जो वाल्व्स होते हैं हार्ट्स के, उसमें सही से ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा हो, इन सब परेशानियों में हार्ट फेलियर के ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है। इसी के साथ साथ कुछ सिम्टम्स और भी देखे जा सकते हैं, जैसे पेशेंट के पैरों में स्वेलिंग देखी जा सकती है हार्ट अफेक्शन में, तो ये दवाई देने से इन सिम्टम्स में भी काफ़ी राहत मिलती है। ये दवाई किडनी फेलियर के पेशेंट में भी दी जाती है, जहां पेशाब का आना कम हो गया हो, यानी यूरिन की क्वांटिटी कम हो गई हो। इसके अलावा पेशेंट के पेशाब में जलन देखने को मिलती हो, जब यूरिन पास होता है तो उसके बाद पेशेंट को बर्निंग पेन देखने को मिलता हो, ऐसे लक्षणों में किडनी फेलियर के ये दवाई देने से पेशेंट को बर्निंग पेन में राहत मिलती है, यूरिन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, यानी यूरिन पास ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। पेट के लक्षणों की बात की जाए तो पेट की इन बीमारियों में दवाई दी जाती है, जब पेशेंट को नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स देखने को मिलते हों, पेशेंट के पेट में ब्लोटिंग होती हो, पेशेंट को नोज़िया के साथ स्लीपीनेस देखा जाता है, यानी नींद बहुत आती है पेशेंट को। इसके अलावा वोमिटिंग पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के तुरंत बाद आ जाती है, थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर पेशेंट कुछ खाता पीता है तो तुरंत ही वोमिटिंग देखने को मिलती है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेट के रोगों में काफ़ी राहत मिलती है। दोस्तों, ये दवाई वोयलेंट कोराइज़ा में पेशेंट को दी जाती है, जहां पेशेंट के नाक और गले में येलो थिक म्यूकस देखने को मिलता हो, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती हो, डिस्चार्ज होता हो, पेशेंट को बहुत इरिटेशन होती हो कोराइज़ा में, तो ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से पेशेंट को इन दिक्कतों में काफ़ी राहत मिलती है। इसके और सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई डायरिया में भी हम दे सकते हैं। डायरिया खासतौर पर जब पेशेंट को सुबह के टाइम हो, सुबह उठते ही पेशेंट को डायरिया लगना शुरू हो जाता है और पेशेंट को कोई पेन भी देखने को नहीं मिलता है, कुछ भी खाता है अगर पेशेंट तो उसके तुरंत बाद पेशेंट को डायरिया लगना शुरू हो जाता है, ऐसे लक्षणों में ये दवाई बहुत असरदार रहती है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी है या आप इस दवाई का सेवन कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।